Hey guys, welcome back to my channel. मैं श्रेया और आप देख रहे हो टिप्सी बॉम ट्रैवलर्स। मैं सिक्किम की एक छोटी सी जगह पे हूँ जिसे पेलिंग कहते हैं। पेलिंग इज नोन फॉर इट्स पिक्चर स्क्वेयर माउंटेन्स एंड हिस्ट्री। यहाँ पे काफ़ी सारे मॉनेस्ट्री है। बट वेट, मैं ये सब क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि आज तो मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ के खाने। हाँ, जो मेरे चैनल्स आप जो फॉलो करते हैं उनको पता है कि मैं जहाँ पे भी जाती हूँ मैं वहाँ का फूड टूर करती हूँ। तो जैसे मैंने कहा आपको, पेलिंग काफ़ी छोटी जगह है, यहाँ पे खाने के ऑप्शंस काफ़ी कम हैं, पर मुझे जो अच्छा लगा मैं वो आपको यहाँ पे दिखाई। यू कैन कंसिडर देम, काफ़ी अच्छे अच्छे जगह पे हैं, व्यूज़ अच्छे हैं। तो चलिए ज्यादा ना बोल के मैं आपको ये पूरा वीडियो दिखाती हूँ। फर्स्ट स्पॉट जहाँ हम गए वो है बिग बोल। ये पेलिंग के एकदम मेन एरिया में है। छोटी सी जगह है बट बहुत सुंदर तरीके से डेकोरेट किया गया है। ये रहा मेन्यू, आप देख सकते हैं प्राइस काफी रीजनेबल है। यहाँ पे आप चाहे तो पॉज करके भी मेन्यू को देख सकते हैं। हमने ऑर्डर किया है मोमोज। सूप कुछ खास नहीं थी पर मोमो वॉज वेरी जूसी एंड फिलिंग। नेक्स्ट हमने ऑर्डर किया चिकन थुक्पा। काफी लाइट थुक्पा थी, नूडल्स काफी बाउंसी, जस्ट द राइट कंसिस्टेंसी टू होल्ड द ब्रॉथ। जस्ट परफेक्ट फॉर द वेदर। सेकेंड स्पॉट था हैव मोर। ये एक प्योर वेज रेस्टोरेंट है एंड वन ऑफ द गुड ऑप्शंस फॉर वेजिटेरियन पीपल। यहाँ एक अंदर छोटी सी सुविनियर शॉप भी है, आप चाहे तो यहाँ से कुछ गिफ्ट्स भी ले जा सकते हो घर के लिए। ये भी काफी छोटी रेस्टोरेंट है बट ऑलवेज फिल्ड विथ क्राउड, जैसे आप देख पा रहे हो। बेसिकली पेलिंग में सभी ईटिंग जॉइंट्स ज़्यादा फैंसी नहीं है बिकॉज पेलिंग एक छोटी सी टूरिस्ट लोकेशन है, बट यहाँ पे हर एक जगह पे आपको रीजनेबल और अच्छे खाने मिल जाएंगे। ये रहा मेन्यू। हमने ऑर्डर किया चीज पकोड़ा एंड आई टेल यू इट वॉज यम्मी। नेक्स्ट हमने ट्राई किया यहाँ पाव भाजी और ये भी काफी अच्छी थी। जैसे सभी को पता है मैं वेज हूँ नहीं, मुझे वेज खाने काफी पसंद है नहीं, फिर भी मैं कहूँगी यहाँ के ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं। मुझे काफी अच्छा लगा यहाँ का खाना। थर्ड स्पॉट ऑफ आवर फूड जर्नी है होटल कबूर। काफ़ी पुरानी होटल है ये एंड पेलिंग की वन ऑफ द ओल्डेस्ट होटल में से एक है। लेट्स गेट इनसाइड। आई लव द इंटीरियर एंड द रस्टिक ओल्ड वुडन वाइव आपको बहुत अच्छी लगेगी।
ये शायद मेरी सबसे फेवरेट जगह थी पेलिंग में। ये रहा मेन्यू। हमने ऑर्डर किया है चिकन नूडल्स। विथ चिली पॉर्क। चिली पॉर्क काफी सोसो है बट मैं कहूंगी नूडल्स इन कंपैरिजन अच्छा था। और ये है होटल काबुर की ओपन सिटिंग एरिया एंड द व्यू इज अमेजिंग। यहाँ से आपको पूरी पेलिंग दिखेगी और अगर वेदर अच्छा रहा तो आपको कंचनजंगा भी दिख जाती है यहाँ से। फोर्थ स्पॉट है मेल्टिंग पॉइंट। ये मिडिल पेलिंग में है। ये रहा इनका इंटीरियर। काफी सिंपल एंड बेसिक है बट काफी अच्छी है। एंड ये है उनका ओपन एयर सिटिंग विथ अ ग्रेट व्यू। ये रहा मेन्यू। यहाँ हमने चिकन शेफाली ट्राई किया। यहाँ की चिकन शेफाली इज फिल्ड विद चिकन। काफ़ी स्पाइसी एंड जूसी थी। बाहर की कोटिंग काफ़ी क्रिस्पी भी थी। एंड अ बोल ऑफ चिकन थुक्पा। थुक्पा काफ़ी लाइट है यहाँ पे। जस्ट परफेक्ट फॉर द कोल्ड वेदर। फिफ्थ एंड फाइनल स्पॉट ऑफ आवर जर्नी इज द क्रासुला किचन। काफ़ी क्यूट एंड कोजी सी रेस्टोरेंट है। यहाँ काफ़ी भीड़ होती है। मैं अब जब आपको दिखा रही हूँ काफ़ी सुबह का वीडियो है। हम यहाँ से खाना खा के नहीं, एक्चुअली खाना पैक करके ले गए थे एंड खाना काफ़ी अच्छी थी यहाँ पे। ये रहा मेन्यू। एंड इफ यू हैव मिस्ड आवर प्रीवियस वीडियो जो फूड टूर के होते हैं या फिर स्टेज के होते हैं, आप ये आई बटन में जाके जरूर क्लिक करके देखिए क्योंकि ऐसी जगह मैं बहुत कवर करती हूँ।
जो इस चैनल पे नए हो प्लीज मुझे फॉलो एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड जो पुराने हो मुझे जरूर बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं कई और जगह नई वीडियो लेके। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।